नमस्कार दोस्तांनो, बकरीवाले युट्यूब चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत आहे. माझ्या या निसर्गाच्या कुशीत हा व्हिडिओ मी आज बनवतोय. पुंजाराम वाडेकर यांचा चिरंजीव कुंदन वाडेकर माझा मित्र, माझा क्लासमेट, याच्यासोबत कॅमेरामॅन हर्षल पवार आणि त्यांना सपोर्टिंग ऍक्टर अजिंक्य अय्यर लीड रोल मध्ये आहे. आज कुछ नाही, जरा ऐसा ही मजाक करणे का मुडे इसके लिए ऐसा बात कर रहा, तो सॉरी आज कुछ डिस्टर्ब हो गया कि वो गौरव भाई क्या बोल रहे, गौरव सर क्या बोल रहे. तो ऍक्च्युली नथिंग, आज का टॉपिक है कि जो हम गोट्स रहती है वो गोट्स हम उनको फार्म में बंद करके नहीं, पारंपरिक पद्धति ने जे शेळी पालन असतं, जे आपले मेंढफाळ बंदू करतात, तर ते मीटसाठी का नाही परवडत. म्हणजे ते मीटसाठी परवडतं आणि जे गोट फार्मिंग, बंदिस्त गोट फार्मिंग आहे, तर ते मीटसाठी का नाही परवडत आणि ते परवडत, असा माझा एक मित्र आहे, त्यांनी क्वेश्चन केला होता, तर त्याचं मी व्हिडिओ बनवतोय त्याच्यावरच, कसं असतं काय असतं. ॲक्च्युली रहता क्या है दोस्तों, आप शेड पे फार्म पे बहुत सारा खर्चा करते, तो आपका लगभग आपने 50 गोट्स का फार्म चालू किया, तो 50 गोट्स के लिए आपको खर्चा आता फार्म के लिए लगभग 2-3 लाख रुपए. आप ब्रीड सिलेक्ट करके लाते उनको 2-3 लाख रुपए लगते, 6-7 लाख उधर लग जाते, आपका चाप कटर मशीन आता, आपके आदमी आते, आपका एक्सपेंसेस आता, लाइट बिल आता, मोटर रहती, पानी टैंक आती, फीडिंग आती, फोडर्स रहते, सूखा जो फोडर्स रहता, तूर भूसा वगैरह, ये भी हमारे पास अवेलेबल है, हमें कॉल कीजिए लगे तो. हरी पत्ती भी है अगले साल से, दिवाली के बाद सब चीज़ें मिलेंगी. तो ये जो आता है ये खरीदते, इस पर जितना एक्सपेंस होता है वो इतना एक्सपेंस हो जाता है, और आपकी जो बकरियाँ लाते हैं आप डालते हैं, वो बकरियों से जब आप ब्रीडिंग कराते हैं, जब बच्चे लेते हैं, तो बच्चे लेते हो उनकी मोर्टेलिटी होती है दोस्तों, तो मोर्टेलिटी होती है, तो अपन गणित करते 50 गोट्स ली तो 2 गोट्स हर किसी ने दी, तो 100 बच्चे हुए, तो 100 बच्चे बड़े हुए, तो 100 बच्चों के 6000 रुपए, तो एक बकरे का तो हमारे गांव में बिक जाता है बकरा काटने के लिए. हमने भी ऐसा ही कैलकुलेशन किया था गौरव गिरी और अजिंक्य अय्यर ने, जो राजमुद्रा गोट फार्म के ओनर है और आज भी है, बस नाम खाली बकरी वाले स्पॉन्सर्ड बाय राजमुद्रा गोट फार्मिंग है. तो ये बात रहती थी, लेकिन 6000 के लिए जाता है सही बात है, अच्छा बकरा जाता है सही बात है, लेकिन 100 में से क्या कितने परसेंट बकरे वैसे बन पाते 6000 को जाए, और 100 में से कितने परसेंट बकरे 1 महीने से बड़े हो पाते, उसके बाद 3 महीने से बड़े हो पाते, कुछ बच्चे तो 1 महीने के पहले मर जाते, मोर्टेलिटी हो जाती, कुछ बच्चे बकरे 3 महीने से पहले मोर्टेलिटी हो जाती. लेकिन जो आपको 100 बच्चे मिल रहे उसमें से सब 100 के 100 मेल हो ऐसा होगा इम्पॉसिबल, फीमेल भी तो आएंगे ना, जेनेटिक्स भी कुछ तो भी बात है ना दोस्त, भगवान ने बनाया ना जेनेटिक्स, ये भी कुछ बात है ना, भगवान थोड़ी ना जितने रहेंगे, तो उनको संतुलन बना के रखना है, फीमेल भी उतने होना, उनके मुताबिक मेल भी उतने होना, तो ये सब चीजें है, ये सब बातें. तो एक्सपेंसेस इतने बढ़ जाते, इतने बढ़ जाते, जाता फार्म पे, अरे यार ये पुस्तक आया 1 करोड़ रुपए कमाइए, गोट फार्मिंग कीजिए, 50 बकरी लीजिए, अरे तो अंबानी ने अभी बगड़ू को आके गोट फार्म डाला होता ना भाई, इतने पैसे अगर होते अंबानी भाई क्यों पेट्रोल में जाते, हर गांव में गोट फार्म रहता, हर गांव में मटन का दुकान अंबानी का, सब बड़े लोगों का, वॉरेन बफे भी आते बोलते मुझको गोट फार्मिंग करना है, सही बात है ना. तो सारी जो बिजनेस है ये एक्चुअली ये बिजनेस है, बिजनेस माइंड चाहिए उसके लिए समझने के लिए, इसका एक्सपेंसेस कितना जा रहा, खर्चा कितना आ रहा, प्रॉफिट कितना जा रहा. एक्सपेंसेस आप जितना कम करोगे, मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूं, जितना आपके एक्सपेंसेस कम होंगे उतना आपका प्रॉफिट रेशियो, आपका ग्राफ बढ़ जाएगा, और आपको अगर जे कर लेना है बिजनेस में तो आपको पूरा बिजनेस माइंड में बिजनेस करना होगा. तो जो इसमें जो खर्चा होता है उसके मुताबिक मोर्टेलिटी होती है, जो बकरियां पहले सेट होती है तो सेट नहीं होती, बच्चे मरते, फीमेल रेशो आता है, कभी मेल रेशो आता है, तो इसकी वजह से बच्चे हो नहीं पाते. 100 का कैलकुलेशन 10 बकरों पे आ जाता है, 10 बकरे बेचे तो 60,000 रुपए आते हैं. आपके आदमी को जो काम करता है फार्म पे, हमारे फार्म पे जो काम कर रहा है उसको लगभग 6000 लगते हैं पैसे महीने के, चलो 5000 पकड़ लीजिए, कितने पैसे गए भाई 12 महीने के, कितने पैसे गए. तो उतना जो 20 बकरे बेच के आ रहा तो वो आदमी ही खा रहा, आपका हरी पत्ती का अलग, आपका भूसे का अलग, आपका डॉक्टर का अलग, आपका लाइट बिल अलग, आपका वैक्सीनेशन अलग, आपके आपके पैतरे तो बहुत सारे, आपने जो किताबें पढ़ी वो सही बात है, उन्होंने गोट फार्मिंग की है दोस्तों. आप जिनकी किताब पढ़ रहे उनको क्वेश्चन कीजिए ना, आप जिनको फॉलो करें उन्होंने गोट फार्मिंग की है क्या, ये सब गलत बात फैला रहे लोग मार्केट में. इतना गुस्सा होता है इस चीज से, जो असल में काम कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूं,
लेकिन मुझसे भी कोई बहुत ज्यादा लोग है काम करने वाले, लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो हमारे सामने नहीं आ सकते, वो अपने मेंढपाल बंधु है उनके पास जाके बैठिए पूछे उनका कैलकुलेशन, तो ये सारी चीजें रहती, उनको ये खर्चा नहीं आता। तो जितने भी बच्चे उनसे आते और उनके पारंपरिक गोट्स रहती, पारंपरिक शीप रहती, उनके परदादा के दादा के दादा के जो शीप्स रहती उनके बच्चे वो लेते लेते तब तक आते, उनके वो खंडी बोलते उसको बराबर मराठी में, तर ती खंडी असते ना, तर ती खंडीच पुढे सरकलेली असते, तेच जनरेशन तिथे मिळालेलं असतं, तेच म्हणजे त्याचं जेनेटिक्स काय बनत जातो तेच बनत जातं। अभी मैं आपको बोलू, अपना जो जेनेटिक्स है, अपना अंदर का, अपनी 10 पीढ़ियां है, अपने दादा के दादा सारी जो 10 पीढ़ियां इंडियन आदमी की, अपने फार्मर की, ये काली जमीन है, इसमें पोटैटो भी आता है, इसमें कांदा भी आता है, सब अपन खाते, अपना जो डाइजेस्ट सिस्टम है, डाइजेस्ट सिस्टम वैसा बन रहा। अंटार्कटिक में का जो आदमी है उसको अबर आपने बगड़ू में लाया, कलवन में लाया, उसको बोला बटाटा का, तो जल्दी मर जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिक है वो क्या बना है। अंटार्कटिक में जमीन ही दिखती नहीं, खेती नहीं, बस बर्फ है, समुंदर है, समुंदर में मछली रहती, मछली निकालता खाता, प्रोटीन और कार्ब्स, प्रोटीन और कार्ब्स, हम क्या खाते, प्रोटीन्स खाते, कार्ब्स खाते, फैट्स खाते, हमारे 10 पीढ़ियां खा रहे ना, हमें कुछ नहीं होता। तो ये गोट्स लाए उधर से, उस्मानाबाद से, राजस्थान से, वो हरी पत्ती खा रही थी, उसके जो बैक्टीरिया थे वो अलग बने थे, और इधर आके आप उसको डायरेक्ट बटाटा कांदा खिला रहे, उधर वो मच्छी खाती थी। अंटार्कटिका और इंडिया का जो एग्जांपल दिया उस पे से आप बोलोगे बकरी ने मच्छी कब खाई, बकरी बटाटा कब खाती, डजंट माइंड दैट थिंग, ओके। तो ये चीजें रहती है, तो इसके लिए जो उनकी बनी रहती है, जो प्रोडक्शन बना रहता है, उसको आदत होती जाती, उनका जो बैक्टीरिया रहता, गुड बैक्टीरिया ऑलरेडी डेवलप रहता, जनरेशन यहाँ की रहती, इधर के सब चारे की, इधर की जमीन की सब आदत रहती, तो इसके लिए उनको तकलीफ नहीं होती। गुड फार्मर नए से फार्मिंग के लिए बकरियाँ लाता है, वो सेट नहीं होती, उनका मेटाबॉलिक बिगड़ता है, मेटाबॉलिक बिगड़ा तो उनके बच्चे बिगड़ते, उनका गर्भाशय रहता है वो खराब होता है, पानी का प्रमाण कम ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ें होती। इसके लिए 2-3 साल आपको सेट करने में लग जाते हैं, और उतना पैसा आप नहीं कमाते जितना पारंपरिक शेळी पालन में मीट के लिए, बकरे बेच के मटन के लिए आते, ये रीजन है। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही बने रहिए, मुझे इंस्पायर कीजिए, थैंक यू बकरी वाले।